एक रास्ता हमारे भीतर है। जब हम भीतर के रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं तब हम इस रास्ते पर चल पाते हैं, लेकिन भीतर के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। रोड़ा है अवसाद यानी डिप्रेशन का। आज डिप्रेशन एक आम बीमारी है और दुनिया की ज़्यादातर आबादी को डिप्रेशन ने घेर रखा है। तो इस रोड़े को हम अपने रास्ते से कैसे हटाएंगे, डिप्रेशन से कैसे बचेंगे, उससे कैसे उभरेंगे, इस बारे में बात होगी। और बात करेंगे उरई ज़िला कारागार के जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा जी, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी तो उनकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने उनसे कहा सर मेरे लिए आप एक वीडियो बनाइए। कोशिश करेंगे कि एक पूरी सीरीज़ मोटिवेशन वीडियोस की अपने चैनल पर जारी करें। तो बिना देर किए हुए सीधे मुद्दे की बात, चलिए सीधे सीताराम शर्मा जी के पास। अगर आप सो के उठ रहे हैं और उस समय भी फ्रेश फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, काम में मन नहीं लग रहा है पूरी रात सोने के बावजूद, तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ सब कुछ ठीक नहीं है। आपका मन और शरीर सही नहीं है, यानी कहीं न कहीं आप या तो अवसाद में हैं या अवसाद की तरफ जा रहे हैं। तो ये तय करें कि अपना विश्लेषण आप सुबह से ही करें। सुबह का मतलब भी होता है सुबह से दिन की शुरुआत कैसी हो, आप पूरे दिन की दिनचर्या को तय कर लें। एक अपना एनालाइज करना है कि अब मुझे क्या करना है। तो आप सबसे पहले एनालाइज ये करेंगे कि आप जब उठे हैं, सो के उठ रहे हैं, तो क्या उस समय आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, एक फ्रेशनेस फील कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ कहाँ हो सकती है? आपके शारीरिक स्तर पे या आपके मानसिक स्तर पे। उस गड़बड़ को जानने के लिए आपको आगे विश्लेषण करना होगा, जो आगे अभी हम जिन लक्षणों पे चर्चा करेंगे, अगर वो लक्षण भी हैं साथ में तो आप तय मानिए कि आप अवसाद ग्रस्त होने जा रहे हैं या हो चुके हैं। अभी हाल ही में निमहेंस के एक सर्वे के अनुसार भारत में सबसे बड़ी जो मनोवैज्ञानिक बीमारी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा, वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन यानी अवसाद। आजकल लोगों में अवसाद की समस्या बढ़ती जा रही, किसी भी वर्ग में, खासकर युवा वर्ग में ज़्यादा है ये समस्या। तो अवसाद को जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि क्या कहीं डिप्रेशन में तो नहीं है हम, या डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इसके लिए इसके कुछ लक्षण हैं। सबसे बड़ा और पहला लक्षण है मन का उदास रहना। अच्छा, मन की उदासी एक स्थायी सी है, 24/7 होती है, 24 घंटे सातों दिन वो हमेशा उदासी रहते हैं। चाहे कुछ भी अच्छा हो जाए, कोई भी गुड फीलिंग भी आ रही हो तो भी मन उदास रहे, तो ऐसी स्थिति में मानना चाहिए कि डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, डिप्रेशन की समस्या है। सामान्य उदासी और डिप्रेशन वाली उदासी में एक फ़र्क है। सामान्य, जैसे कभी कभी ऐसे ही मूड ऑफ होता है तो उदास हो जाते हैं, उस उदासी में होता है कि जैसे ही कभी हमारा कोई मनचाहा अच्छा मित्र मिल गया या कोई अच्छी न्यूज़ मिल गई या किसी पार्टी में चले गए तो वो उदासी दूर हो जाती है। लेकिन जो डिप्रेशन वाली उदासी है वो कभी मन प्रसन्न नहीं होता, उसमें मन हमेशा उदासी बना रहता है। तो एक ये बहुत बड़ा लक्षण है उसका। दूसरा लक्षण है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। हमें जो भी डिप्रेशन की स्थिति बनेगी उसमें मन, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ में कोई रुचि नहीं रहती, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तो मन एक जैसा ही बना रहता है। तीसरा लक्षण है इसका एक शारीरिक कमजोरी। मतलब मनुष्य जिसको अवसाद हो रहा होता है या अवसाद की बीमारी से ग्रस्त है या उसकी तरफ जा रहा है, तो शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस करता है, वो एनर्जेटिक महसूस नहीं करता। चौथा लक्षण है इसका गिल्ट फील करना। वो बहुत सारी चीज़ों के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगता है, काश मेरी वजह से ये हो गया, मेरी वजह से ऐसा हो गया, एक तरह से नेगेटिविटी उसके अंदर रहती है। कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाता, ये पांचवा लक्षण है उसका। स्थिरता का अभाव हो जाता है, जैसे अभी वो मन किसी में लगने, यानी किसी भी काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा वो, किसी भी, चाहे वो उसके इंटरेस्ट का हो या मनोरंजन का काम हो,
जैसे कहीं वो अगर मूवी देखने जाएगा तो उसका ध्यान कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, कहीं खेल रहा होगा तो उसका ध्यान होगा कि पढ़ना चाहिए या मुझे उससे मिलना था, मेरा ये काम रह गया, तो इस तरह से उसका कंसंट्रेशन नहीं किसी चीज़ में बन पाता। दूसरा एक अगला जो लक्षण है उसका छठवां, नींद ढंग से नहीं आती, यानी नींद का पैटर्न होता है वो बदल जाता है, नींद उसको सही से नहीं आती, रात में जो निर्धारित समय था उसका पहले हिसाब साथ में से जाने की पहले की स्थिति में था, उस समय की स्थिति में और उस दौरान जब वो बीमारी के लक्षण आ रहे थे, तो ये नींद का डिस्टर्बेंस भी एक लक्षण है अवसाद का। एक अन्य लक्षण है सातवां, भूख में बदलाव, भूख का पैटर्न बदल जाता है उसमें, यानी भूख जनरली ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि भूख कम हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें भूख बढ़ जाती है, तो दोनों ही स्थितियाँ संतुलित नहीं रहती, भूख बढ़ने के बाद वजन भी बढ़ेगा, तो यानी डिप्रेशन से आदमी का वजन बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, अगर भूख कम वाला लक्षण है, सामान्य लक्षण भूख कम होना है। और थोड़ा और ज़्यादा इसका डीपर लेवल होता है, ज़्यादा और बढ़ते हैं तो अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली भावनाएं भी आने लगती हैं, क्योंकि कहीं कहीं उसके अंदर गिल्ट फील आता है, जैसा अभी एक लक्षण पे बात की, तो उस लक्षण के तहत कभी कभी ये सोचता है वो आदमी कि मेरी वजह से ही बहुत सारी समाज में नेगेटिविटी है, मेरे परिवार को नुकसान हो, तो वो सोचता है कि मेरा कोई औचित्य नहीं है, वो अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी करता है, अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता है, तो ये अवसाद का चरम बिंदु है कि जहाँ पर वो व्यक्ति अपने आप को ही नुकसान पहुँचा लिए, यानी आत्महत्या जैसे विचार भी इसके अंतिम लेवल पे आते हैं। तो ये हैं अपने ये अवसाद को जनरली पहचानना कैसे है कि हम अवसाद में जा रहे हैं या हमारा कोई चाहने वाला मित्र, अपने आसपास देखें कि अगर ये लक्षण हैं किसी में तो ये माने कि वो अवसाद में है या अवसाद की तरफ जा रहा है, तो उसके इलाज की ज़रूरत है, उसे क्या करें, किस तरह से करें। इससे पहले ये जानना थोड़ा ज़रूरी होगा कि कारण क्या है, आखिर अवसाद में क्यों आने लगता है व्यक्ति। तो अवसाद के जनरली तो सामान्यतः माने जाते हैं मनोवैज्ञानिक कारण हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बायोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं। कई बार ये होता है कि आदमी का ऐसा कुछ गड़बड़ ना हुआ हो, सामाजिक रूप से कुछ गड़बड़ ना हुआ हो, उससे कहीं उसे फेलियर भी ना मिला हो। सामान्यतः ये होता है ना कि असफल हो गया कई चीज़ों में, या कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है, या पारिवारिक विवाद हैं, परिवार में कलह है, उसकी वजह से अवसाद की तरफ जा रहा है, तो ये मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। लेकिन इसके अलावा फिजिकल या बायोलॉजिकल कॉजेज़ भी होते हैं कि इस तरह की साइकोलॉजिकल कोई स्थितियां ना हो फिर भी मनुष्य अवसाद की तरफ चला जाता है। तो इसमें बेसिकली तीन केमिकल्स होते हैं जो मनुष्य के मनोवैज्ञानिक स्तर को यानी मानसिक स्तर को बनाए रखते हैं, वो सेरोटोनिन डोपामाइन वगैरह, तो ये केमिकल इम्बेलेंस भी कभी कभी अवसाद का कारण बनता है। हालांकि दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं, यानी किसी भी वजह से अगर अवसाद आएगा तो अगर बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से आया है कि जो उसके अंदर केमिकल्स हैं उनमें इम्बेलेंस हुआ है, तो उसके बाद फिर वो उसमें मनोवैज्ञानिक कारण भी उभर के आ ही जाएंगे। मनोवैज्ञानिक रूप से उसकी जितने इफेक्ट होंगे वो सारे उसमें प्रभावी होंगे, नेगेटिव थाट्स आएंगे। मनोवैज्ञानिक कारणों में सबसे ये कि नेगेटिव थॉट्स अगर परसिस्ट करें, लगातार नेगेटिव सोच रहा है कोई व्यक्ति, तो वो धीरे धीरे एक डिप्रेशन में चला जाता है। तो अब देखते हैं इनको कैसे कंट्रोल करना है, इस तरह के व्यक्ति अवसाद में ना जाए, और अगर चला गया है, अगर जैसे अभी जिन आठ लक्षणों पे चर्चा की वो सारे आठ लक्षण हैं व्यक्ति के अंदर, तो उससे मेडिसिनल ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट भी जैसे बायोलॉजिकल कॉजेज हैं और साइकोलॉजिकल कॉजेज हैं, तो इसी तरह से उसकी ट्रीटमेंट भी होगा, मेडिसिनल ट्रीटमेंट और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी काउंसलिंग, उसको समझाना, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में उसे डेवलप करना, तो ये चीज़ें तो हुई, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है, यानी दोनों चीज़ें जब साथ साथ चलती हैं तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स की अगर नीड है, यानी डिप्रेशन कंफर्म हो रहा है किसी अगर साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके, तो उसके लिए वो जो हार्मोन्स बढ़ाने वाले जो सेरोटोनिन डोपामाइन ये जो इनका जो लेवल कम हो गया है उसको बढ़ाने के लिए एंटी डिप्रेस दिया जाता है दवाइयाँ, तो वो साथ में चलेगा। उसके साथ ही साथ उसको ज़रूरत होती है जो जिन विचारधाराओं में जिन वजहों से जो भी सामाजिक कारण थे, यानी अगर साइकोलॉजिकल फैक्टर है तो कहीं कोई किसी तरह का असफलताएं हो सकती हैं, लगातार असफलताएं मिलती गई हों उसको, या पारिवारिक समस्या हो सकती है, सामाजिक समस्या हो सकती है, तो उन समस्याओं पर उसकी काउंसलिंग की जाए व्यक्ति की,
तो ये अवसाद की समस्या दूर हो सकती है। बहुत बड़ा एक जो सामाजिक कारण है वो है हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं और फुलफिलमेंट। एक्सपेक्टेशंस और उनके फुलफिलमेंट का जो गैप है वो बहुत बड़ा आज की यूथ में एक कारण है जो उसको नेगेटिव बनाता है, और वही नेगेटिविटी धीरे धीरे बढ़ते हुए वो एक डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसके एक्सपेक्टेशंस इतने रियलिस्टिक हों, प्रैक्टिकल हों, जिनकी फुलफिलमेंट की गारंटी हो, यानी वो उसको प्राप्त कर ही सकेगा। इसके लिए काउंसिल करने की ज़रूरत होती है, व्यक्ति को काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो जो भी लक्ष्य निर्धारण करें उनमें एक इतनी प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए कि वो प्रैक्टिकल रहे वो और अपने लक्ष्यों पर काम कर पाए। दूसरी चीज़ है कि अगर अवसाद की स्थिति एक सीमा तक बढ़ चुकी है तो जो कोई उसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस की समस्या है, स्ट्रेस रिलीज करना है, तो उसके लिए वो अपने जो भी उसकी सराउंडिंग्स हैं, सामाजिक दायरा है, समाज के आसपास हैं चीज़ें, उनको पॉजिटिवली देख पाए। पॉजिटिव देखने के लिए ये उसके अंदर एक ये भाव होना चाहिए कि मैं कहीं से कमज़ोर नहीं हूँ, मैं जो चाह रहा हूँ वो सारी चीज़ें प्राप्त कर सकता हूँ। ये भाव उस वो स्वयं नहीं ला पाएगा क्योंकि वो खुद ही नेगेटिविटी से ग्रस्त है। तो ये समाज का, परिवार का, दोस्तों का ये दायित्व हो जाता है कि वो ऐसी स्थिति में उसको इस चीज़ के लिए कन्विंस करें कि यू आर नॉट अ फेलियर पर्सन, तुम भी सफल हो सकते हो, हर चीज़ प्राप्त की जा सकती है। और दूसरा, जब हम स्वस्थ हैं, एक मतलब हम लोग कोई डिप्रेशन में ना जाए, समझ जब चले गए हैं तब तो उसके लिए ट्रीटमेंट है, साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल या मेडिसिनल ट्रीटमेंट, लेकिन न जाए, एक स्वस्थ आदमी स्वस्थ बना रहे उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो इस चीज़ का आकलन करे हमेशा कि उसका एरिया ऑफ प्लेजर क्या है, वो अपने जीवन से क्या चाहता है। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी कि हम जीवन में क्या चाहते हैं। अक्सर हम लोगों को, ज़्यादातर लोग इस चीज़ को नहीं जान पाते, उसे चाहिए क्या जीवन से, वो दूसरों के देख के, दूसरों का अनुसरण करके अपने साधनों का और लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये बनना है, या मुझे इतना पैसा चाहिए। जबकि जब वो चीज़ पा लेता है तो उसको ये पता लगता है कि जैसे कोई सोचे कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है और फिर मैं इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदूँगा, इतना बड़ा घर बनाऊँगा, फिर मैं खुश रहूँगा। लेकिन जब वो प्राप्त कर लेता है तो उसको वो बाद में एहसास होता है कि नहीं नहीं उसको ये मुझे ये सब तो नहीं चाहिए था, उसे कुछ और चाहिए था। ज़रूरी है कि अपने एरिया को पता करें कि उसे इंटरेस्ट कहाँ है, तो कभी नेगेटिविटी भी नहीं आएगी और अपने जीवन में वो सकारात्मकता हमेशा महसूस करेगा और जीवन को आनंदपूर्ण ढंग से गुजार पाएगा। तो इतने सारे लक्षण सर ने बता दिए हैं कि डिप्रेशन में कोई अगर होता है या डिप्रेशन के आसपास होता है तो ये लक्षण होते हैं, इनसे आप आकलन कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद करेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को खूब लाइक करें, खूब शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।